फ्रेंड्स, आज आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आज हम सब जो है ना अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ जो है बद्रीनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं और आज आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे, कैसा है, कैसे रास्ते हैं और कैसी कंडीशन है वहाँ की। और आपको आज हम एक धाम चार धाम में से जो प्रसिद्ध है चार बद्रीनाथ, उसके दर्शन कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है सारे तीन धाम ना बंद हो चुके हैं, सिर्फ एक बद्रीनाथ ही खुले हैं इस समय। और आप अगर आना चाहें तो इस वीडियो को जरूर देखें और शुरू करते हैं। वैसे तो हम सहारनपुर से जा रहे हैं लेकिन हम आपको हरिद्वार से शुरू करेंगे, पूरी वीडियो दिखा लेंगे। तो यहाँ पे ना गाड़ी का जो है ना थोड़ा पेट फुल करवा दें इसका। बताओ 80 लीटर से ऊपर आता है। तो फिलहाल दोस्तों इसमें ना 4900 रुपये का हमने तेल भरवा दिया है और वो आया है 55.31 लीटर, ठीक है ना। और अब देखते हैं पूरी ट्रिप पे कितना तेल लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से बद्रीनाथ है 380 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, अब हम जो है भादराबाद की सड़क पे हैं और यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया भादराबाद और फिर जो है ना हरिद्वार आएगा जो कि यहाँ से रह गया है मात्र 17 किलोमीटर। और फ्रेंड्स, ये हरिद्वार आ गया और हरिद्वार में ना घुसते ही ना आया, बहुत ज़्यादा भीड़ मिली। और फिलहाल आप हरिद्वार का व्यू देखिए, सामने गंगा जी बराबर में बह रही हैं और देखिए ये पुल है। और जो है अब हम जो है हरिद्वार की सड़कों पे चल रहे हैं। ये धर्म की नगरी हरिद्वार है और यहाँ से हमें अब ऋषिकेश की तरफ चलना है, जो यहाँ से अभी तो देहरादून का बोर्ड आ गया और आगे अब ऋषिकेश जाना है जो कि ये सीधी सड़क है। और फ्रेंड्स, ये देखो सामने की साइड ना, ये देखो पहाड़ के ऊपर दिखाऊँ, ये है मनसा देवी का मंदिर यहाँ पे, जो कि यहाँ से ट्रॉली से जाया जाता है। लेकिन फिलहाल अभी जो है हमें ऋषिकेश की तरफ चलना है। और दोस्तों ये देखो, ये ना हमारे तरफ ना देखो दोनों तरफ से जंगल आ गया और यहाँ पे ना काफ़ी जानवर है भाई, इस जंगल में काफ़ी जानवर निकलते हैं इस सड़क पे। लेकिन बैरिकेडिंग लगी हुई है, ये जो लगा रखी है ना, लेकिन फिर भी जंगल जानवर जो है ना सड़क पे आ जाते हैं। और यहाँ से बद्रीनाथ रह गया 301 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, हम जो है योग की नगरी ऋषिकेश पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो है हमें शिवपौड़ी का जो रास्ता है उसे पकड़ना है। और वहाँ से जो हमारा रास्ता शुरू होगा वो रास्ता देखना है कैसा है, क्योंकि उन्हीं रास्तों पर लैंडस्लाइड होती है। और वहाँ पे अभी देखेंगे वहाँ की सड़कों की कंडीशन कैसी है। अभी तक की जो हमें सड़कों की कंडीशन मिली वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक मिला। लेकिन अब जो है पहाड़ों का देखते हैं वहाँ पे रास्ता कैसा रहेगा आगे। तो फ्रेंड्स, हम योग की नगरी ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और ये जो दिख रहा है ना साइड में सड़क, यहाँ पे ना राफ्टिंग होती है। तो राफ्टिंग जब करवा के लेके आते हैं ना तो इसी जगह पे उतारते हैं। और अब हम जो है ना आगे चल रहे हैं, यहाँ पे आगे जाके राम झूला और लक्ष्मण झूला आएगा, उसका व्यू भी मैं आपको दिखाऊँगा कि वो सड़क से चलते हुए कैसे दिखते हैं। फ़िलहाल तो हमें आगे चलना है और देखिए आप ऋषिकेश में कितना, फ़िलहाल तो आज रश नहीं है वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि आज जो है ना शनिवार का दिन है तो इसलिए कम रश है, वरना यहाँ तो भैया ये आ गया आपका लक्ष्मण झूला। ये देखिए साइड में है ना, ये लक्ष्मण झूला आ गया और अब हम जो है आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से केदारनाथ जो है ना 223 किलोमीटर रह गए। और ये जो आगे देखो गाड़ी जा रही है ना, ये राफ्टिंग के लिए जा रही है। और देखो इनके ऊपर ना राफ्टिंग जिस पर करते हैं वो बोट बंधी हुई हैं और यहाँ से ना लगातार राफ्टिंग की गाड़ी चलती है। और आप यहाँ से व्यूज़ देखिए, कितने प्यारे व्यूज़ हो गए हैं, यहाँ के पहाड़ कितने सुंदर लगने शुरू हुए हैं। और सड़क देखिए, यहाँ तक की सड़क ना बहुत अच्छी है अभी तो।
और फ्रेंड्स यहाँ से ना बद्रीनाथ रह गया 285 किलोमीटर। और ये देखिए यहाँ पे ना एक्टिविटी के लिए बना रखा है ऋषिकेश में, और यहाँ पे ना एक्टिविटी होती है जो ऊपर से कूदा देते हैं ना वो चीज़। और फिलहाल अब ऋषिकेश चल रहा है और यहीं पे पार्किंग है, और यहीं पे आगे जाके हम और यहाँ से ना दोस्तों देखो ये जो पहाड़ शुरू है ना इन्हीं से लैंडस्लाइड होती है। ये ना बहुत कच्चे से पहाड़ हैं, मिट्टी के पहाड़ हैं, और इनमें देखो पत्थर जो लगे हैं ना यही लैंडस्लाइड करते हैं, और इसकी वजह से ये सड़कें बंद हो जाती हैं। फिलहाल हम जो है ब्रह्मपुरी जो वो है ना यहाँ पे जहाँ से राफ्टिंग कराते हैं छोटी राफ्टिंग, हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। और देखो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बता ही रहा था, और ये देखिए पहाड़ गिरा हुआ है ना, इसी को ना ये हटा हटा के एक साइड में कर देते हैं, और इस तरह से ऊपर से पहाड़ गिर के ना ये रास्ता बंद कर देते हैं, जिस वजह से घंटों का जाम लग जाता है यहाँ पे। और सामने आप पहाड़ों का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। फिलहाल सड़क की कंडीशन बहुत अच्छी है, यहाँ तक तो बहुत अच्छी सड़क मिली हमें, और हम चल रहे हैं। पथरीले पहाड़ खत्म हो गए, मिट्टी वाले पहाड़ आ गए। लेकिन वो पेड़ हो रहे भैया, यहाँ से बद्रीनाथ रह गए हैं 263 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स हमने ऋषिकेश से आगे ना अब यहाँ ब्यासी में रुके हैं, और यहाँ पे सामने दुकान है, और वहाँ पे ना हम थोड़ा चाय पियेंगे क्योंकि चलते हैं काफ़ी टाइम हो गया, और उधर ट्रक आ रहा है, पहले सड़क पार कर लें। और फिलहाल ये लोकेशन है, ये देखो पहाड़ है, यहाँ पर बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। ये योग नगरी है, और यहाँ पर लोगों का घूमने का भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं। और अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी है सामने, इडली बनवा के लाए थे, फिलहाल इडली खोल लिया और चाय के लिए ऑर्डर दे दिया है, और चाय आएगी फिर इडली खा के फिर चल रहे हैं वहाँ के। तो हम जो है ना नाश्ता करके हम निकल चुके हैं, और सब जो है ना गाड़ी में बैठे हैं। अब जो है ना ड्राइवर चेंज हो गया हमारा, क्योंकि अब जो है मयंक भैया जो ना सबसे पीछे थे, सबसे आगे आ गए वो भी ड्राइविंग सीट पे, और सबकी सीटें अब ऐसे है, और हम मैं साइड में बैठा हूँ, और सब ऐसे, और मयंक भैया गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और यहाँ पे ना थोड़ी सी आगे चलने के बाद ना सड़क ना थोड़ी सी ख़राब आई है, जिस पे गाड़ी जो है ना काफ़ी हिल रही है, काफ़ी थोड़े बीच बीच में ना पैचेस ऐसे आ रहे हैं जो ख़राब हैं लैंडस्लाइड की वजह से। और साइड में देखिए इस तरह से जाले से भी लगा रखे हैं, जिससे कि ऊपर से जो पत्थर आ रहे हैं वो देवप्रयाग आ गए हैं। तो यहाँ से ना बद्रीनाथ ना 236 किलोमीटर आ गया, कर्णप्रयाग 108, देवप्रयाग 10.5 किलोमीटर। तो यहाँ ना रास्ता आगे बंद है, और आगे ना थोड़े पत्थर गिर गए, तो उसकी वजह से जरा उसे काटे जा रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। और फिलहाल जो है यहाँ से व्यू इस तरह का दिख रहा है, और ये देखो मशीन चलने की आवाज़ आ रही है, और रास्ता जो है उन्होंने वहाँ से बंद कर रखा है। देखिए किस तरह से मशीन से पहाड़ काटे हैं, तो गाइस आपने वो चार धाम यात्रा में रेलवे का प्रोजेक्ट सुना होगा ना, वही काम चल रहा है ये, देख लो। और अभी काफ़ी साल लगेंगे, अभी बहुत लंबा काम है। तो भाई साहब ये पहाड़ जो है देखिए इस तरह से ना यहाँ पे लग के इस तरह से काटे जा रहे हैं, और उसकी वजह से देखो कितना जाम लग गया था, इसका मोबाइल भी बहुत ज़्यादा जाम, और अब खुला है ये, सारा साफ ही जाना। और देखिए कितनी लाइन लग गई इतनी देर में ही, और कहाँ था मैं सड़क बिल्कुल खाली दिख रही थी, पर देखिए कितना ट्रैफिक था और कितना रश हो गया अभी। तो यहाँ से ना बद्रीनाथ रह गया है 227 किलोमीटर, और केदारनाथ है 143 किलोमीटर। हम ना देवप्रयाग पहुँच गए हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ संगम, बहुत ही प्यारा संगम ये हो रहा है।
ये इधर की साइड जो आ रही है ये है अलकनंदा, और इधर से जो आ रही है ये है भागीरथी, और दोनों का देखिए यहाँ पर संगम हो रहा है। ये फिलहाल भाई अब जो है ना प्रयाग की ना मार्केट गई है अभी पीछे, और यहाँ से बद्रीनाथ रहेंगे 225 किलोमीटर। और फ्रेंड्स अब पहाड़ देखो इधर की साइड आ गया, और इधर आ गई अलकनंदा नदी, ठीक है ना, ये जो उधर से आ रही है अलकनंदा, और हमें अब इसी के साथ साथ चलना है। और इस तरह का व्यू हो गया, पहाड़ देखो कितने कमज़ोर हैं, कभी भी गिर जाते हैं, जब भी तो लैंडस्लाइड होती है यहाँ पे। और ये देखिए व्यू, तो फ्रेंड्स हम ना लगभग 12 बजे चले थे, और आज 5:20 हुए हैं, और हम पहुंच गए हैं श्रीनगर, जो चारधाम यात्रा में श्रीनगर पड़ता है, एक जगह का नाम है, और इससे आगे ही धारी देवी का मंदिर मिलेगा। और ये श्रीनगर एक मेन जगह है, इनकी शहर है यहाँ पे पहाड़ी इलाके का, तो ये इस तरह का यहाँ पे शहर है श्रीनगर। तो ये श्रीनगर शहर लगवा देंगे लड़के को। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे डैम है, तो उधर पहले तो ना पानी बिल्कुल रोक रखा था, और यहाँ पे देखिए पूरा पानी है, और सड़कों की कंडीशन जो है ना बहुत ही बढ़िया है। और इस तरह से यहाँ रुद्रप्रयाग यहाँ पे 23 किलोमीटर रह गया है, और ये इस तरह की यहाँ पे सड़कें हैं। तो फ्रेंड्स ये है माँ धारी देवी का मंदिर, चारों धाम की यात्रा जो चारों धाम की रक्षा करती है उन माता का मंदिर। और अब चलेंगे माता के द्वार, अब गाड़ी कहीं पार्क करते हैं और फिर आपको दर्शन के लिए लेके चलेंगे। अभी हमको ना विचार हुआ है कि हम ना टैक्सी से जाएंगे, क्योंकि यहाँ ना थोड़ा सा ना उतरना पड़ता है, और फिर जब ऊपर चढ़ते हैं ना तो हालत ख़राब हो जाती है। तो वैसे ही हमारे एक दो जनों की ना थोड़ी हालत ख़राब है यार, तो इस वजह से ना गाड़ी ले रहे हैं, और ये जो है सोमो वगैरह गाड़ी है, ये टैक्सी में नीचे से लेके जाती है। तो ये है माँ धारी देवी का मंदिर, और अब इसके दर्शन के लिए हम चलेंगे इस गाड़ी से। तो भाई इसके लिए जाने के लिए ना हमें थोड़ा सा रिवर्स जाना पड़ रहा है श्रीनगर की तरफ, और श्रीनगर की तरफ ही जाके वहाँ से रास्ता मिलेगा। अभी देखते हैं भाई साहब कहाँ से मोड़ेंगे गाड़ी को। तो फ्रेंड्स यहाँ से ना इधर से रास्ता उतरेगा, और ये पीछे देख के अब गाड़ी को यहाँ से घुमाएंगे, और आज आपको हम गाड़ी से धारी देवी के मंदिर का रास्ता दिखाएंगे। तो ये उधर है माँ धारी देवी का मंदिर, जो लाइटें चमक रही है ना ये, और हम इधर रास्ते से जा रहे हैं, और ये रास्ता धीरे धीरे वहाँ जा मंदिर के पास तक जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से दिख रहा है माँ धारी देवी का मंदिर, गाड़ी ना देखो बिल्कुल यहाँ तक आई है, हमारे मयंक भैया जो हमें यहाँ तक अब लेके आए हैं, और मंदिर माँ धारी देवी का जो चारों धामों की रक्षक हैं, अब उनके मंदिर में चलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ ना जूता चप्पल उतारने का स्टैंड है, और यहाँ से जूता चप्पल उतार के ना ये जो है माँ धारी देवी का प्रवेश द्वार है। और देखिए इस तरह से यहाँ पे ये कुछ बोर्ड्स लगे हैं, जो है ना बहुत खुश है यार, माँ ने कम से कम हमें 2 साल बाद हमें दोबारा से बुलाया है।
और बहुत खुशी हो रही है इस मंदिर को दोबारा से देख के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम थोड़ा, है ना। इस बार हम देर से चले थे इसलिए रात को पहुंचे, तो अंदर चलेंगे अभी राज द्वार है। अब इधर से जो है ना एंट्री लेंगे अब हम। ये मंदिर में घंटा एक बार क्लिक कर दें इसे। फिलहाल फ्रेंड्स हम ना दर्शन करके बाहर आ गए हैं और इधर जो है थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, तो मयंक भैया थोड़ी डॉक्टरी जानते हैं तो उसे ठीक कर रहे हैं हमारे देवांश भाई को। मंदिर के पास ना कुछ दुकानें हैं, उसमें आपको सामान दिखाते हैं अभी क्या क्या मिल रहा है। और इधर भी जो है ना शॉप्स हैं ये धागे और मालाओं की। ये ना पैदल वाला रास्ता है और इस रास्ते पे ना दुकानें दुकानें हैं, लेकिन हमें जो है ना अब इधर से जाना है जो इनका गाड़ी वाला रास्ता है, और यहीं पे ना हमारी जो है गाड़ी इधर की साइड ही खड़ी है। और यहाँ पे देखिए कितना अंधेरा है, लेकिन हमारी गाड़ी यही खड़ी है, तो हम अपनी गाड़ी में यहाँ से बैठ जाएंगे अब। और ये अलकनंदा नदी यहाँ पे दिख रही है, और यहीं से ये स्कूटर वगैरह भी आ रहे हैं, दुकानदार हैं अपना सामान लेके यहीं से आते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारी गाड़ी बैक होनी शुरू हो गई है अभी। भाई ना गाड़ी देवी माँ के दर्शन करके दोबारा से माँ हमें हर साल इसी तरह से दर्शन के लिए बुलाए, इसी कामना के साथ मंदिर से निकल चुके हैं और अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं अभी। दोस्तों यहाँ पता क्या हुआ है, यहाँ ना चाय ना कहीं भी नहीं मिल रही, यहाँ पे 6 बजे ना चाय के लिए सब बंद है। और अपनी गाड़ी से ना बैठ के अब अपनी रुद्रप्रयाग या करण प्रयाग के लिए तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब हम वहाँ से निकल चुके हैं, अब यहाँ पे ना भाई चाय पिए ना बहुत टाइम हो गया और सबके ना सिर में दर्द हो रहा है, चाय ढूंढेंगे कहीं मिलेगी तो। और रास्ते में देखो 6:30 बजे ना देखो कितना अंधेरा हो गया है, सड़कों पर जो गाड़ियाँ आ रही है ना उनकी लाइट से ना पूरा चुंधिया रहा है, और सड़क ना अब जैसी पहले एक स्मूथ सड़क थी वो नहीं है, अब थोड़ी थोड़ी पैचेस ना ख़राब भी हैं। दिन में तो अच्छे थे लेकिन रात के समय अब पैचेस थोड़े से ख़राब हो गए हैं। फ्रेंड्स अब हम ना रुद्रप्रयाग पहुंच गए और कर्णप्रयाग की तरफ चल रहे हैं, पर चाय अभी तक नहीं मिल रही, अभी देखते हैं कहाँ मिलेगा हमें ढाबा। तो दोस्तों हम ना यहाँ पर रुके हैं फिलहाल होटल शिवम लॉज में, और यहाँ पर जो है ना थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे, और हमारे सारे साथी हैं सब आ गए हैं, और गाड़ी को हमने यहाँ पे पार्क कर दिया है, बहुत ठीक सी पार्किंग मिल गई हमें। और ये रास्ता है यहाँ का जो आगे जा रहा है कर्णप्रयाग, आपको आगे दिख रहा है, पर अभी यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर होगा। और ये इस तरह का होटल है, मैं यहाँ पे बैठ गए हैं तो चाय बनवाइए, और कुछ पूरी हम लेके आए थे तो पूरी अब खाएंगे हम। तो फ्रेंड्स हमने नाश्ता अब जो है ना खाना एक तरह से खाना ही खा लिया, हमने पूरियाँ खा ली थी, अब यहाँ से ना खा के निकल गए हैं। और पहाड़ों पे देखो 6:30 बजे देखिए कितना अंधेरा हो गया है, और ना भाई सच में अब जो सड़क आ रही है ना ये थोड़ी सी ख़राब भी है और पहाड़ी रास्ता, और अब ज़्यादा ना घूम वगैरह। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक रास्ता नीचे जा रहा है केदारनाथ के लिए, और एक रास्ता ये है ऊपर बद्रीनाथ के लिए। रुद्रप्रयाग में ना दो सड़कें कट गई, एक तो नीचे जा रही है केदारनाथ और ऊपर जा रही है बद्रीनाथ, तो हमने बद्रीनाथ वाले रूट ले लिया है और हम बद्रीनाथ की तरफ सब चल रहे हैं। फिलहाल सड़कों की कंडीशन अब इस तरह से है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ना कुछ नहीं देख पाया, तो दोस्तों रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग की तरफ ना रास्ता ना थोड़ा सा संकरा हो गया, जितनी सड़कें पहले चौड़ी थी ना उतनी चौड़ी नहीं है, पर रास्ता खूबसूरत है क्योंकि साइड में जो ना अलकनंदा बह रही है और ऊपर जो ना पहाड़ बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से ना कैमरा नहीं दिखा पा रहा आपको। और व्यूज़ ऐसे हैं, सड़कें थोड़ी छोटी हैं पर गाड़ी चल रही है आराम से, रखा है जिसकी वजह से एक साइड पे ही ये पत्थर पड़े हैं तो एक ही गाड़ी ही निकल सकती है। यहाँ करण प्रयाग पहुँच गए,
और अभी भी हम चल रहे हैं। सौरभ भैया ने आलू पूरी रख रखी है एक बार की और अभी खा रहे हैं। अच्छा आलू पूरी अभी खाएंगे क्या वो दोबारा से? ओहो दोबारा खानी पड़ेगी भाई। गाड़ी में क्या चाहिए? पेट्रोल। अच्छा और पेट को खाना बस। अच्छा आलू पूरी, चलो साथ में मूवी लाल डाल दो चाय का तो और तो जड़े चले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना रास्ता काफ़ी देर से ना ख़राब चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है। पहाड़ यहाँ पे गिरा हुआ था तो शायद रास्ता खोला होगा कुछ देर पहले ही, और ना रास्ता ना बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा। ये ना चमोली आ गया और हम यहाँ चमोली पहुँच गए। ये चमोली का बाजार है सारा, और देखिए यहाँ पे आके ना हमें काफ़ी रश मिला है क्योंकि बाजार है और चमोली यहाँ का मेन शहर है पहाड़ों पे इधर की साइड। गाइस यहाँ पे आके ना यहाँ से जोशीमठ जो है 61 किलोमीटर रह गया, और यहाँ पे देखो सड़क सिर्फ वन साइडेड सड़क है, इधर से भी पहाड़ सड़क है और इधर भी इकट्ठा कर रही है। इस लैंड स्लाइड को देखते हुए लगता है कि ये आज या कल में ही हुई थी और रास्ता अभी खुला गया है। और ये पैच ना सबसे ज्यादा खराब आया है अब तक की सबसे विध्वंस स्थिति। ये शब्दों का चयन देखो, विध्वंस स्थिति जैसे इन्होंने तबाही करी हो यहाँ। देखिए जरा नजारा, हेलो जोशीमठ का ना ये यहाँ से बोर्ड आया है। यहाँ पे बद्रीनाथ के लिए हम ऊपर चलना है और चमोली वगैरह के लिए नीचे, तो हम जो है अब इस रास्ते से ऊपर चल रही है। भाई रोक दो गाड़ी लौटने के लिए। तो भाई दोस्तों हम यहाँ रुके हैं अभी जोशीमठ, यहाँ से अभी 8 किलोमीटर रह गया है और भाई को ना थोड़ा उल्टियाँ लग गई हैं तो इस वजह से भी रुके हैं। और यहाँ पे जो है ना पानी देखो इस तरह से, सड़क की हालत ना रात को आपको दिख नहीं रही होगी, बहुत मतलब पानी इस तरह से बह रहा है और आवाज़ आप पानी की सुन सकते हैं, हवा कैसे सरसर चल रही है। फ्रेंड्स यहाँ से ना गोविंद घाट 20 किलोमीटर है और पांडुकेश्वर जो है 22 किलोमीटर, बद्रीनाथ 44 किलोमीटर और माणा जो है 48 किलोमीटर है, और ये है जोशीमठ। तो हम जो है ना जोशीमठ पहुँच गए हैं। ये देखो ये यहाँ पे इस तरह से ये जोशीमठ का व्यू है। हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है फिलहाल, अब हम होटल ढूँढेंगे यहाँ पे। ये है हिमालयन होटल और हमें ना सबसे जब नीचे आए थे ना तो मिल गया हमें ये होटल। और कमरा दिखाऊं मैं आपको, देखो इस तरह के यहाँ पे इसमें बेड हैं और इसमें टॉयलेट वगैरह ये इस तरह से है। सच में भाई रुद्रप्रयाग से जोशीमठ का रास्ता ना बहुत ही प्यारा है, दिन के समय अगर आओगे ना बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। हम रात को आए तो ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखा नहीं पाया और ना ही कैमरा मेरा देख पा रहा था क्योंकि मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, सड़कों पर ना बहुत अंधेरा था और जितना भी शूट कर रहा था ना तो हो नहीं रहा था। और होटल के बाहर ही ना गाड़ी हमारी इस तरह से लग गई है, तो ये होटल में जाने का रास्ता है। और भाई वगैरह ना अभी आईडी वगैरह दे रहे हैं अपनी और लिखवा रहे हैं, कमरे में हमने सामान रख दिया है। तो कल का व्लॉग ना यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि हम जोशीमठ से जो है ना अब बद्रीनाथ जाएंगे, वहाँ का रास्ता तो बहुत ही प्यारा है, हनुमान चट्टी के बाद का रास्ता ना बहुत प्यारा है। तो बने रहिए इस ब्लॉग पे मेरे चैनल पे और ज़रूर देखिए आप पूरा ब्लॉग। कल को जो है ना बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे, फिर माना गांव जाएंगे, माना गांव के बाद जो है वसुंधरा धारा, माना गांव, वसुंधरा धारा, चरण पादुका और भी कई जगह है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहें और पूरी वीडियो देखें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अरे गोया जो है फुल मस्ती में है भाई। तुम करियो।